गुजरात में खसरा के बाद 24 घंटे में 139 मुश्तबा केसेज रिपोर्ट। बहावल नगर में एक बच्चे की मौत रिपोर्ट। मुल्तान 17, बहावलपुर 13, डीजी खान में 7 केसेज रिपोर्ट। बहावल नगर में 4 और रहीमदार खान में 2 केसेज सामने आए। महकमा सेहत ने इदाद और शुमार जारी कर दिया। जनूबी पंजाब के बासियों को गर्मी से निजात मिल गई। मुल्तान बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में बादलों के डेरे। सफी सरवर कोहे सुलेमान ने वक्ते-वक्ते से बारिश, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश फसलों के लिए भी फायदेमंद, आज मजीद बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इंतजामिया का भी इम्तिहान शुरू। नशेबी इलाके जेर आब को मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। छतें दीवारें गिरने से मुख्तलिफ हादसात। जसमान में करंट लगने से 12 साल लड़का जा भाग। मुजफ्फरगढ़ में आंधी से आम के बागात का नुकसान। बारिश के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। पिपला में चश्मा बैराज के 48 गेट खोल दिए गए। पानी की आमद 2 लाख, अखराज 1,95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की सतह 646 फीट हो गई। पंजाब में खसरा के बाद 24 घंटे में 139 मुश्तबा केसेज रिपोर्ट। बहावल नगर में एक बच्चे की मौत रिपोर्ट। मुल्तान 17, बहावलपुर 13, डीजी खान में 7 केसेज रिपोर्ट। बहावल नगर में 4 और रहीमदार खान में 2 केसेज सामने आए। महकमा सेहत ने इदाद और शुमार जारी कर दिया। बहावलपुर में डेंगू के वार बददस्तूर जारी। विक्टोरिया अस्पताल में 3 रोज में डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट। डेंगू का शिकार 3 अफराद कराची से आए थे। रवा साल डेंगू के मरीजों की तादाद 34 हो गई। ईद उल अजहा पर डीसीआर फोरी के भयानक नतीजे। बहावलपुर में गैस्ट्रो आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में मुख्तलिफ अस्पतालों में 84 मरीज रिपोर्ट। टीबी माहिरीन की शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत। बजट के असरात, बिजली सार्फिन के गिर्द घेरा तंग। फिक्स चार्जेस कीमत में भारी बोझ डालने का फैसला। 200 से 1000 रुपए तक वसूली की समरी तैयार। नेप्रा ने मंजूरी के लिए विफाक को हड़ताल कर दी। साहिबाल में प्रिंसिपल और एमएस खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी। मामला तूल पकड़ गया। डॉक्टर्स और इंतजामिया आमने सामने। मुल्तान बहावलपुर रहीमदार खान में यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शोबों में इलाज की सहूलत बंद। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक काम करने से इनकार। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। नर्स अख्ता की जमानत मंजूर। दहशतगर्दी के खतरात, इंतजामिया भी मुतहरिक। इज्तमात, रैलियों, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी। जनूबी पंजाब में दफा 144 नाफिज। पाबंदी का इतलाक 26 जून तक होगा। खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। यूटिलिटी स्टोर बंद। मुल्तान के शहरी रिलीफ से महरूम। खरीदारी के लिए आने वाले साफिन खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों के मुताबिक गुजश्ता रोज स्टोर खुला था, आज खरीदारी के लिए आए तो यूटिलिटी स्टोर बंद था। अलीपुर में खातून के 2 डेथ सर्टिफिकेट का मामला। रोहे की खबर पर डेप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का नोटिस। इंक्वायरी का आगाज, मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। मुल्तान इंतजामिया घिरा फरोशों को नकेल डालने में नाकाम। अदरक 700, लहसुन 400 और नींबू 500 रुपए किलो। आम खुबानी 250, सालसा आड़ू 200 रुपए किलो फरोख। शहरियों ने कीमतों पर काबू पाने की अपील कर दी। बजट के बाद महंगाई में 0.94% इजाफा। मजमू सालाना शरह 23.78% हो गई। एक हफ्ते में 25 अशिया महंगी, 5 सस्ती हुई।
21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार एदाद व शुमार जारी कर दिए। हुकूमत पंजाब ने पहले 100 दिन बेहतरीन काम किया। मुल्तान से लीगी रहनुमा जावेद अख्तर अंसारी की रोहित से गुफ्तगू। कोले ईद उल अज़हा पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी बेहतरीन रही। दिल के मरीजों का अद्वियात दहलीज पर मिल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत हेल्थ काउंसिल का इजलास। कैदियों को तिबी सहूलियात की फराहमी बेहतर बनाने का फैसला। इजाफी फंड्स अद्वियात की फराहमी का टास्क दे दिया गया। जेल अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम। कोटादू मियां चनू कहरोड पक्का में अमला सफाई के एहसास में तकरीबात। सख्त गर्मी में बेहतरीन काम को सराहा। तारीफी असनाद भी दी। मिठाई तकसीम चाय भी पिलाई। मुल्तान में सरकारी तौर पर कुतुब न मिलने का मामला। सीओ ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरों से रिपोर्ट तलब कर ली। 15 जुलाई से पहले रिपोर्ट भेजी जाएगी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान की मार्किंग। गलती की सूरत में बोर्ड ऑफिस को तहरीरी तौर पर आगाह किया जा सकता है। नतीजे आने से 20 रोज कबल शिकायत की जा सकती है। हिदायत मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। टेफ्टा और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुश्तरका काविश। बच्चियों को हुनरमंद बनाने के लिए बहावलपुर लोधरा पायलट प्रोजेक्ट। हुनरमंद बच्चों को टूल किट फराहम करने की तकरीब। बच्चों का कहना था 6 माह में बहुत कुछ सीखने को मिला। काश्तकारों को मेहनत का फल मिलने लगा। मुल्तान डिवीजन में कपास की अगीती फसल की चुनाई। दिहाड़ी खाने वाल और मिर्ची की कपास गल्ला मंडी पहुंच गई। कपास की कीमत 10 से 11 हजार रुपए सीमन है। हालिया बारिशों के पेश नजर मुल्तान के बागबान हो जाए होशियार। झुलसाओं से निजात मिली तो कीड़ों के हमले का खतरा मंडलाने लगा। नमी बढ़ने से फल की मक्खी भी हमलावर हो सकती है। फंदे लगाने और गिरे हुए फल तलब करने का मशवरा। हारूनाबाद से अगवा होने वाला हकीम सलाहुद्दीन बाजियाब। कच्चे के डाकुओं ने एक माह कबल मफ्ती को हनी ट्रैप किया था। रिश्तेदारों ने डीपीओ और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। फूलों की पत्तियां निछावर थी। आज साल का तवील तरीन दिन दौरानिया 13 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड होगा। मुल्तान में तवील तरीन दिन पर मौसम खुशगवार। शहरी दिन को यादगार बनाने के लिए कला कोहना कासिम बाग पहुंच गए। दुख्तरे मशरक बेनजीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में केक काटने की तकरीबात। बच्चों और जियालों की कसीर तादाद में शिरकत। पीपी रहनुमा हाशिम खान बाबर का कहना था कि जमहूरियत की बका के लिए बीवी शहीद की कुर्बानियां लाजवाब हैं। उनका पैगाम आने वाली नस्लों तक पहुँचाएंगे।